चल फिर इतो पुराना शहर सारा तेरा शुरू है आदि पुराने सर डेटा दी दिया इस पुराने शहर का होने का सबूत है यानी कि इसके थले भी शहर है हाँ असि टॉप दे हैं इतने छे बार लोग आए तो उजड़े वसे यानी इतने समय के हिसाब 100 साल बाद परलो आई महापरलो आई लोग मरते गए जमते गए उजड़ते गए आ जंगल देख रहे हैं तेन जंगल चो लैके जाना हाल है हाल है प्राचीन स्थल नहीं है पर है दो तुला है ठीक है ले चल आ देख क्या नजारा है ये तो ऐसा लगता है जिदा चीन की दीवार नहीं है चीन की दीवार चीन की दीवार बड़ी है वाकई लगती है चीन की दीवार है ऊपर जाने दे हड़प्पा चंद्रगुप्त मौर्य तो पहला था हड़प्पा जिस वे धातु की कोई खोज भी नहीं हुई थी जिस वे शिकार करन वे लोकी पत्थर तोड़ के उन्होंने तिखे करके जूट ना आई मीन बाण रस्सियां ना बन के उस वे शिकार कर लेता ते 700 ईसा पूर्व के उत्ते शर्म नहीं हुई है चढ़ा जा चढ़ाइया भरावा इतने तो लोगों जिम जाने की लड़ ही नहीं सवेरे दो बारी इधर आज गेड़ा गज के बोलो जय बाबा जी पौड़िया ही बहुत है पौड़िया के सह चढ़ गया जगह तो उची है पर जगह बहुत ही वधिया वाओ तेन शहर की भगदड़ विचो कढ के एक शांत जगह ते लेके आया हाँ पुरानी इमारत है इमारत पुरानी है क्या बात है पुरानी कह ला सदियां बीत गई ईसवियां बीत गई जड़िया जादे निशानियां आज 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 जिन्हें कहना विरासत सामभ ली उन्होंने सब कुछ सामभ लिया शिवालिक की पहाड़ियों के वसिया शहर रोपड़ खूबसूरत हाँ। क्या बात है ओ देख ओ दूर तक पुरानी आ टावर के नाल देखो वो देख मकोरा अच्छा आ टावर के नाल दोनों टावरों के पीछे कैमरा उधर उधर मौसम का आनंद भी माणो मौसम का आनंद भी जे इत्थे दूरबीन लगा दी जाए मैं लगता है लुधियाना भेजू इतों कि नहीं नहीं लुधियाना का नहीं भेजता नहीं देखो एदा इतिहास हैगा मोहन जदाड़ो मोहन जदाड़ो का मतलब मृतकों का टीला ला लिया मृतकों का शहर ला लिया मुरदों का शहर ला लिया चीज है अच्छा नहीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਆ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਟਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਖਦਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ ਦਿਖਿਆ ਆ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੀਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਫਲੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਛਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਕਾ ਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੱਤ ਦਾ ਸੱਤ ਦਿਓ ਸੀਗਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਸੱਤ ਦਿਓ ਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਪਿਆ ਯਾਨੀ ਕਰੇਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਊ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਇੱਧਰਲਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਲਾਕਾ ਦੇਖੇਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੁਲ ਟੱਪਦੇ ਹੈ ਉੱਧਰ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਉੱਧਰ ਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖੇਗੇ ਨਾ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੰਮ ਗਈ ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਲੋਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਆਪਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਓ
कि किन्ना पानी हो गया उस वेले। मैं सोचता जो सदियां पहलां दी गल है तो फिर तो पानी का बहुत ज़्यादा फ्लो होना, सिंध घाटी कहिंदे थे इहनूं, आहो सिंधे कहिंदे थे, ते ओ पानी का फ्लो इस तरीके नाल पराया होना कि शहर के उत्ते मिट्टी जम गई, क्योंकि जब हड़ आए होने एक परल आँदी है 100 साल बाद महापरल आँदी है, इदा करके जो पुराने ने हिसाब दसा सानू उदो इदा ही लगता कि जब एक 100 साल बाद महापरल आँदी है उस दे विच धरती उलथ पुलथ होंदी है, तो समुद्र की जगह जे तां टिब्बे बन जाने हैं तो टिब्बे की जगह समुद्र आ जाने हैं। उस वेले का कोई ऐसा नज़ारा बनया इत्थे आके कि जिस हिसाब के नाल ये शहर मिट्टी चो दफन हो गया, रोपड़ शहर सारा मिट्टी के अंदर है, जिन्हें भी तुम उच्चे उच्चे दिख रहे हैं सारे इस शहर के अवशेष ही हैं, इसके नीचे शहर है, पर उस वेले दी है, आई मीन हजारा साल पहला का यह बनया हुआ इट्टां पत्थर जो इसके नीचे सिरे तक इतने सुरंग पै गई है, जिसका बारे कहा जाता अपना बेला चौंक चो उत्थे मकबरा है परमार दे हस्ते नाल हस्पताल दे नाल कि उत्थे तक सुरंग जाती है, एक सुरंग करके यह पटनी जगह बंद की गई जिथों तक सानू पुरानी जानकारी है।